हेलो, आ जाओ. गुड 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 टू सी यू. कम एंड सिट. या से हेलो. हेलो हेलो. और उनको बताओ आपका क्या नाम है. माय नेम इज मैं मधुमाता फ्रॉम ग्रेड 5B. ग्रेड 5B. और अभी आप क्या कर रहे थे. ऑफ दिस मॉर्निंग मैं हैविंग सम फन. हैविंग सम फन. नहीं, मिस आयशा के साथ क्लास. हां नहीं, क्या कर रहे थे. जस्ट अ मोमेंट ऑफ फन. ओनली फन. ओनली. या सारा दिन फन. ओनली. या हां. और पढ़ाई किसने करनी है. मोमेंट ऑफ फन इज गोइंग टू यू बिकॉज़ दैट यू द बेस्ट स्टूडेंट. अच्छा बिकॉज़ अच्छा अच्छा. बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट एनीथिंग इन लाइफ. हां. सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड स्टडी. ओके. चलो शाबाश शाबाश शाबाश. ओके. मिस आयशा इज वेटिंग. यू आर डूइंग योर ऑनलाइन क्लास. हाँ. तो ये बताओ ना. फन 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 फन. फन मीन्स यू आर हैविंग फन स्टडीइंग. वाओ. नाश्ते पर डॉक्टर जरका के शौहर तैमूर ताशकीन से भी मुलाकात हुई. छोटे बेटे माहद ने सालगिरह का केक काटा. पहली मुलाकात में आपने इन्हें कैसे कायल कर लिया. पेरेंट्स के अच्छे टेस्ट थे. हम दोनों के पेरेंट्स के अच्छा टेस्ट नहीं, नहीं मुझे ये बहुत खुश शक्कर लगे और अच्छे लगे. तो आप देख रहे हैं वो तो आपको आज भी नजर आ रहा है. तो फिर मतलब मेरी चॉइस अच्छी. मैंने सोचा कि मैं कोई डॉक्टरों के साथ गई तो सारा दिन उन्होंने मुझे अस्पतालों में डाल देना है. मैंने कहा कोई नॉन डॉक्टर होना चाहिए, कोई जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होना. तो फिर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे. मैंने कहा चलो. डॉक्टर साहब ने जब सियासत में आने का फैसला किया तो आपको कैसा लगा. क्या आप आसानी से मान गए. नहीं जी बिल्कुल. इट वाज अ शॉक. हम लोग दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे और 11 साल हमने दुबई में गुजारे, फिर सऊदी में भी. हमारे दो बेटे वहाँ पैदा हुए. सो काफ़ी हमारी वहाँ पर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और वहाँ हमारा सेटलमेंट काफ़ी अच्छी थी हमारे बच्चों की. अल्लाह ताला के शुक्र है कि वी हैव बीन बेटर ऑफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अपना काम किया, अपना बिजनेस किया. अब इनको सियासत का बड़ी मेहनत की इन्होंने. एंड शी इज गॉट द प्लेटफॉर्म शी वांटेड. डॉक्टर साहब सियासतदान भी हैं, अब तो सेनेटर भी हैं, लेकिन घर पर होम मिनिस्टर कौन है. वो हम लड़ते हैं आपस में कौन है. जब दो चार दिन मैं आती हूँ तो मैं फुल फोर्स में आती हूँ, जब मैं नहीं होती तो फिर वो होते. तो फिर जब मैं आती हूँ तो फिर हम दोनों आपस में लगे होते हैं कि ये नहीं हूँ नहीं हूँ यूँ. इनकी एनर्जी लेवल ज़रा बहुत हाइपर लेवल पे है ना, तो इसलिए इनकी स्पीड को मैं ज़रा थोड़ा तसल्ली से आराम से काम करता हूँ तो वो थोड़ा सा हमारा एक फ्रिक्शन कभी हो जाती है आराम से तसल्ली से. बट ये है कि वो ऐसी बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं. आई डू अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन घर की और क्लिनिक वगैरह की. यानी यहाँ पर भी इख्तियारात की कश्मकश जारी है. बखैर इंसानी फितरत है शायद ये कि आपने कोई ना कोई जब तक कोई ना कोई कश्मकश हो ना पास तो यू नो रीजंस ऑफ एग्जिस्टेंस का मज़ा नहीं आता. कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक कामयाब खातून है, तो इसके पीछे किसका हाथ है. अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हाथ तो अल्लाह ताला का है. उसके बाद ये है कि मैं बाय नेचर भी और मेरी ट्रेनिंग भी यही है कि मैं हमेशा ऑपरेशनल साइड और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना. सो वो परफेक्टली फिट कर बैठता है कि जी मैं क्लिनिक का हिसाब हो या इनकी अब ये नई जस्तजू है. मतलब सारी मेहनत इनकी है. जो कि हकीकत भी है. अच्छा मैं मुझे लगा कि शायद आप इत्तफाक नहीं करती. नहीं नहीं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ. देखिए अगर वो मुझे सपोर्ट ना करें तो मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकती. घर से बाहर कदम नहीं आप उठा सकते. और फिर हमारे जो अब आ जाओ माहद आ जाओ. तो अब मुझे मैं इस्लामाबाद होती हूँ तो पीछे पूरी 200% सपोर्ट इनकी होती है अभी भी और पहले भी. आ जाओ माहद. यू वांट टू सिट ऑन द टेबल. हाँ. यू वांट टू कट दिस केक. यस आ जाओ. कम कट द केक. ओके यू विल लाइक दैट. ये लो जी. वांट टू कट द केक जी. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वाह माहद काटो. हैप्पी फ्यूचर बर्थडे. Happy future birthday. Funny. Funny. He thinks you're funny. और भी काट दो फिर. चलो जी. चलो बस ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी ठीक है जी. अब कुछ खा लें. आप बैठ के खाना चाहेंगे माहद. ओके. शैल आई पुट सम फॉर यू इन अ प्लेट. ये लो. ओके. थैंक यू मॉम.
इधर बैठ के खाना है, उधर किधर जा रहे हो? ये नहीं बैठेगा इधर। ओके ओके। डॉक्टर दरका गुलबर्ग लाहौर में वाके अपने क्लिनिक आई। क्लिनिक पर पेशा वराना उमूर से फरागत के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। कहा जाता है कि पहले तो सिर्फ शोबिज की हसीनाओं का रुझान ही एस्थेटिक सर्जरीज या इस ब्यूटिफिकेशन की तरफ था, लेकिन अब तो शोबिज के मर्द हजरात भी बल्कि शोबा सियासत के लोग भी इस तरफ अब माइल हो रहे हैं। असल में बात ये ना, रेवोल्यूशन जो आया है वो ये आया है कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप मशीन के थ्रू या मिनिमली इन्वेसिव, जो हम कहते हैं कि आधे घंटे की मेरी विज़िट में मैं बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स कर देती हूँ जिससे मुंह खिंच जाता है, तो लोग बड़े निखर के आ जाते हैं। आपके पास सियासत और शोबिज में से मर्द हज़रात ज़्यादा आते हैं या ख़वातीन? देखिए, जनरली तो ख़वातीन ही ज़्यादा आती हैं, लेकिन मर्द भी आते हैं। जिसने अपना काम करना है अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू, उसका तो अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। जनरली मर्द वैसे इस हवाले से बेहतर होते हैं कि छोटी छोटी बातों में झगड़े नहीं करते। आप नाम ना बताएं, लेकिन ये तो आप बता सकती हैं ना कि फलां को देख के आपको लगता है कि इसने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, फलां ने नहीं लिया हुआ, या इसको फलां ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको देख के लगे कि इसने ट्रीटमेंट कराया, तो ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से फेल है। एक्टर एक्ट्रेस तो हर कोई करवाता है, और सियासतदानों में से भी मेरा ख्याल है बहुत से करवाते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करवाते हैं। कुछ हमारी बड़ी मशहूर नाम है जिनको लोग देख के हमेशा कहते हैं कि एक मानूर बलोच, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। कुछ और नाम है, मैं नाम ले देती हूँ, उनके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगी। बहुत से ऐसे नाम हैं जो पहले ज़्यादा खूबसूरत थे, ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ मसनूई से हो गए हैं। नादिया हुसैन साहिबा हैं, शाइस्ता लोदी साहिबा भी हैं, बुशरा अंसारी साहिबा, वो बहुत अच्छी हुई हैं। शुरू में जो पहली दफ़ा उन्होंने कराया था वो नहीं अच्छा था, तो अब उनका बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक द वे बुशरा अंसारी हैज़, उनकी बहुत अच्छी है। माहिरा तो बड़ी रेगुलरली करवाती हैं, लिप्स को वो ख़ास तौर पर पहले दिन से करवाती हैं, सबा कमर भी बिल्कुल करवाती हैं, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन भी अच्छा करती हैं। निदा यासिर का थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, हुसन जो है ना, जो अल्लाह ताला का दिया हुआ हुसन है, वो बैलेंस में है। उसमें आपको, और उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए। अगर शक्ल करख्त हो जाए तो मेरे हिसाब से तो उसमें हुसन नहीं है। सो खूबसूरती की तारीफ ये है कि उस पर देख के आपको कोई रोमांस फील हो, कोई रोमांटिक हो, जिसको देख के आपको लगे कि यार ये तो कोई वो क्या, वो बागड़ बिल्ला बन गया, उसका आपने क्या करना है। फवाद खान ने शुरू में काफ़ी कुछ करवाया था, उनका फेस कट बड़ा सॉफ्ट सा था, उनका जॉ, आप वो उसको फिर मेंटेन करते हैं, उन्होंने अपने आप जॉ को बड़ा मैनली बनाया हुआ है, हार्डर जॉ है उनका, अच्छा लगता है उनको। नाक भी उनका थोड़ा सा था, वो उन्होंने उसको भी सही कराया है। महवेश हयात का भी मुझे थोड़ा ओवर लगता है, उनके होंठ शोंठ बड़े ज़रा, वो तो बिल्कुल ही मुझे गांव की मुटियार लगती है।